एक खिलाड़ी के रूप में मैं चाहूँगा कि हर भारतीय स्वस्थ और चुस्त रहे। तंबाकू स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नुकसान पहुँचाता है। सभी तंबाकू पदार्थ खतरनाक और घातक है। अगर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो तंबाकू से दूर रहें। मैं रहता हूँ, आपको भी रहना चाहिए। आइए तंबाकू के सामने दीवार बनकर खड़े हों। सिगरेट पीना कैंसर का कारण और जानलेवा है। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। दिल से हम तिरंगा सदा ऊंचा हो, हर एक सांस में हर विश्वास में भारत का प्रथम स्थान हो। ड्यूटी पे फिकर ना करे अपनी जाकी, तन पे सजी है गर्व से अपनी खाकी, सदा ये धर्म निभाएंगे हम। कसम है कसम भारत माँ की। वंदे मातरम कहे दिल से हम तिरंगा सदा ऊंचा हो, हर एक सांस में हर विश्वास में भारत का प्रथम स्थान हो। खुद सच की राह चल दूं फिर औरों को मैं बदलूं, बदलाव तभी संभव है। भारत को नया कल दो, सच्चाइयों को बल दो, मन को एक आदर्श दो। जियो गर्व से हर दम, रहो शान से हर दम। ला दो एक क्रांति, विश्व में हो शांति। वंदे मातरम कहें दिल से हम तिरंगा सदा ऊंचा हो, हर एक सांस में हर विश्वास में भारत का प्रथम स्थान हो। अरे जी सर, कहाँ जा रहे हो? माधवराव जी के अंतिम संस्कार में। लेकिन वो तो बहरामबाग में हो रहा है ना? दूसरे एरिया कहें तो क्या हुआ, उन्होंने भी तो हमारी तरह खाकी पहनी थी ना सर। ओ, बड़े इमोशनल हो रहे हो, पर अपनी ड्यूटी छोड़कर जा रहे हो तुम वहाँ? उन्होंने भी तो ड्यूटी के दौरान अपनी जान दी थी सर। बातें बनाने में बहुत माहिर हो गए हो। जा इनकी जगह कौन आए हैं? सर ने अभी तक चार्ज नहीं लिया है, कल लेने वाले हैं। मूर्ति सर, माधवराव जी उन्हीं के एरिया के हैं ना, तुम लोगों ने उनको इन्फॉर्म कर दिया ना? नहीं किया है सर। तो फिर करो, वो बहुत गुस्से वाले हैं। ठीक है। Hey!
है तुम्हारे भाई ने यहीं सेटल होने का इरादा कर लिया? कहीं जाएगा नहीं? कहाँ जाएगा? अरे भाई, सरकार अपने स्टाफ को सर्विस क्वार्टर देती है ना, वो कहीं नहीं जाएगा। जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? बहन जो आ रही है मेरी। आ रही है तो भाई, वो जवान है। तो मेरा भाई भी तो जवान है, इसीलिए तो अगर कुछ हो गया तो शादी करवा देंगे। ओहो, उन दोनों के बीच कुछ हो फिर शादी करवा दो, यही प्लान है तुम्हारा? अगर मैं ऐसा प्लान कर पाती तो तुमसे शादी क्यों करती? किसी आईपीएस ऑफिसर से शादी करती, प्लान कहते। ठीक है, वो टॉपिक छेड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, सॉरी। अच्छा, तुम गांव कब जा रहे हो? फिर देर किस बात की? तो फिर जाओ ना। ओके। हेलो, कौन? सर, मैं ऐसा ही मूर्ति बोल रहा हूँ सर। अरे मत मारो, मत मारो मुझे। सर क्या हुआ सर? तुमने फोन क्यों किया ये बताओ। इनकाउंटर हो गया सर। क्या सर, आप अभी अभी तो आए हैं और आते इनकाउंटर हो गया? ए चुप, इनकाउंटर उधर चल रहा है, इधर की बात क्यों कर रहे हो? सर ये इनकाउंटर नहीं है सर, सलामी दी जा रही है। किसे दी जा रही है? सर वो माधव राज जी थे ना, दंगे के वक्त ऑन द स्पॉट शहीद हो गए थे, उन्हीं को सर। तुम्हें इंस्पेक्टर किसने बना दिया? मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया तुमने? मैं अभी निकल रहा हूं। सर कार्यक्रम तो लगभग पूरा हो चुका है। बस बहुत पा लिया। बाप रे, सुबह सुबह डांट सुननी पड़ी। लोग सही कहते हैं, ये सच में बहुत गुस्से वाले हैं। कौन है तू? चिट्ठी विट्ठी भेजकर जिसे बुलाने की जरूरत पड़े उस टाइप का लोकल गुंडा नहीं हूं मैं। खुद चिट्ठी में अपनी कीमत लिख करके समझौता करने वाला टाइप का हूं, समझ गए? नहीं समझा। देखो भाई, हर एक शहर में कोई ना कोई किंग होता है। वो जो ब्रिज है उसके उस पार भी शहर है, इस पार भी शहर है। जैसा मैंने कहा, हर शहर का एक किंग होता है, लेकिन मैं जो हूं दोनों शहर का अकेला किंग हूं। समय नहीं है, सीधा मुद्दे पर आ जा। मैं मुद्दे पर ही हूं भाई। मेरे आदमी जो शहर में नकली शराब ड्रग्स वगैरह बेचेंगे ना, उसके मैं दो दूंगा। केस माफ करने के लिए दो हजार नहीं, 2 लाख। शहर के लॉज में हम बड़े बड़े लोगों को लड़कियां भेजते हैं, अगर किसी को पकड़ लिया तो मालूम है कितना मिलेगा? 2 नहीं 3 मिलेंगे। शहर में मर्डर वगैरह भी आम होते रहते हैं, आंखें बंद करके काम करते रहोगे तो 5 मिलेंगे। लाख ना। अगर मर्डर हुआ तो हमारा रेट है 10 लाख। अब ये सारे रेट हाथ मिला के फिक्स करो, मैं चलता हूँ। देख क्या रहे हो, हाथ मिलाओ बॉस। हाथ तो निकाल लिया इसने। अरे इसे क्या हुआ? लगता है 5 मिनट के लिए हम लोगों को मौन व्रत रखना पड़ेगा। जल्दी से डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर के आने तक ये नहीं बचेगा। हेलो, मेरे होने वाले वो हैं क्या? यहाँ होने वाले नहीं, सारे के सारे धोने वाले रहते हैं। इंस्पेक्टर जयदेव मेरे मंगेतर हैं। जीप की नहीं, जयदेव सर की मंगेतर बात कर रही है। मैडम आप ही जयदेव सर की मंगेतर है ना? यस जय। ओह अंग्रेजी वाली है। साहब बीजी सेंडिंग मी, प्लीज कम कम। ये मूर्ति कहाँ है? वो बाहर गए हैं सर। बाहर क्यों गया? ऐसे कह रहे हैं जैसे आपको पता ही नहीं है सर। कहो तो। सर वो बहू को लेने के लिए रेलवे स्टेशन गए हैं। बहू को लेने? हाँ सर, वो आपकी मंगेतर को। उन्होंने बताया कि उनकी आपसे शादी होने वाली है। उसने ये बताया और वो चला भी गया। भाभी ये स्पेशली आपके लिए।
तुम्हारे लिए। अच्छा लगा। सर, आपकी मंगेतर जीप में मैं लेके आया। हाय जय, थैंक्स, तुमने मेरे लिए जीप भेजी। जीप मैंने नहीं भेजी, कैसे लड़की हो, शर्म नहीं आती? ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, पुलिस की जीप को टैक्सी की तरह इस्तेमाल कर रही हो, इसके लिए मूर्ति की नौकरी जा सकती है। चलो सर। ये तो ऐसे बिहेव करता है जैसे पूरे शहर में बस यही एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है। कैसे सबके सामने डांट दिया, प्यार से जानू कहकर पुकारने का भी मौका नहीं दिया। कम से कम ढंग से बात तो कर सकता था। सांस में उसने पूरा धुआं अंदर खींच लिया और अब बाहर निकाल रही है। ओ, बुआ, मामा से मुलाकात कैसी रही? बीच रास्ते में ही दुल्हन ने दुल्हे को मार गिराया। कैसा लगा टाइटल? ऐसा टाइटल तो सिर्फ टीवी सीरियल में काम आएगा। वाह, कॉस्टली ब्रांड लगता है। आज तो मेरी पूरी पोल खुल गई। जय ने सब देख लिया। जय नहीं, जयदेव। उसे जय बुलाने का हक सिर्फ मेरा है, समझ गई ना? क्या ये? जगा मुझे। कुछ नहीं है। चुपचाप दे दो। नो। चुपचाप दो मुझे। नहीं। ऐसे फोटो खींचते तुम्हें किसी सोते हुए आदमी का? रुको, मैं कर देता हूँ। अब मैं खींचता हूँ तुम्हारे फोटो। रुको, एक रुको, एक इधर इधर आओ, इधर आओ, इधर मेरी प्यारी बहना। हाय। उधर नहीं। देख लिया ना क्या हो रहा था? अरे मैंने नाश्ते के लिए बुलाया था और ये अब तक ब्रशिंग कर रहा है। ब्रशिंग? और ये रबिंग क्लबिंग बाथरूम में टबिंग हो रहा था वो नहीं दिखाई दे रहा था? कल मैं दूसरे शहर चला गया तो? अब दूसरे शहर कब? अच्छा, जा रहे तुमको बताना चाह रही हूँ। मैं यहाँ हूँ तो हॉल में ब्रश हो रहा है, चला जाऊंगा तो पता नहीं कहाँ कहाँ ब्रश होगा। अच्छा आप शहर कब जा रहे हैं? क्यों जी, उधर क्या हो रहा है उससे तुमको कोई मतलब नहीं है? नहीं है, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ इससे लेना देना है। आप हफ्तों बाहर रहते हैं, मैं बच्चों की देखभाल करती हूँ, उन्हें पढ़ाती लिखाती हूँ, सब कुछ। सुनो जी, अगर उस आमी वाले से शादी कर लेती तो ये तसल्ली तो होती कि मेरा पति देश के लिए जी रहा है। अरे इतना टेंशन क्यों ले रही हो, 3 दिन की बात है, वापस आ जाऊंगा। अच्छा, बात मानो। अरे क्या कर रही हो, धीरे बोलो प्लीज। 3 दिन में वापस आ जाऊंगा, आई प्रॉमिस। अब रो मत प्लीज। ठीक है, अब आप जाकर तैयार हो जाइए, मुझे मंदिर जाना है। इतना इमोशनल क्यों, फिर टॉपिक बदल दिया इसने। ओके, हे भगवान, आपकी हुंडी में चिट्ठी डाल रहा हूँ, इसमें क्या क्या लिखा है आपको बता देता हूँ। मेरी बीवी को अकल देना, मेरी बहन को मेरे साले से दूर रखना और जल्द से जल्द मेरा प्रमोशन हो जाए और बहुत सारे पैसे कमाऊं। प्लीज मेरी ये मुराद पूरी कर दीजिएगा। ढूंढ लूं
मॉर्निंग सर। लाइसेंस नहीं है, गाड़ी के कागज नहीं है, हेलमेट भी नहीं है, फिर भी गाड़ी चला रहे हैं तुम लोग। तुम्हारी तो कौन है लोग? बिना नेम प्लेट की गाड़ी में घूम रहे हैं सर ये लोग। इस तरह के छोटे मोटे केस क्यों लाते हो यार? क्या करें सर, एक्सीडेंट में ये लोग पकड़े गए हैं। इनको कहा था सर फोन साइलेंट में रखने के लिए मैंने। ए मूर्ति सर, इनके माँ बाप को बुलाओ। ओके सर। मेरे बेटे को किस केस में पकड़ा है? ड्रग्स के केस में। माँ, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, माँ मुझे माफ कर दो। आप? नमस्ते सर। नमस्ते। ये मेरा बेटा है, मैं एक स्कूल टीचर हूँ। स्कूल के बच्चों को आप अच्छा पाठ पढ़ाती हैं, अपने बच्चों को नहीं? स्कूल में हम बच्चों को बेंच पर खड़ा करते हैं, छड़ी से मारते हैं, दीवार के सहारे खड़ा करते हैं, लेकिन इसे आज तक वो सब सजा नहीं दे पाई मैं। इसकी देखभाल के लिए इसके पापा भी नहीं हैं। हम दोनों अलग हो गए हैं। मुझे जाने की इजाजत दीजिए सर। अब मुझसे सहा नहीं जा रहा। मैं अपने बेटे के सामने नहीं रोना चाहती। खड़े हो जाओ उधर, तीनों खड़े हो जाओ उधर, कान पकड़ो अपने, शुरू हो जाओ। तीसरे के पेरेंट्स नहीं आए? हाँ वो नहीं है सर। क्यों? क्योंकि उसकी परवरिश उसके दादा कर रहे हैं। तो फिर उन्हीं को बुला लीजिए। वो मैं ही हूँ सर। सर, जो रूल सबके लिए है वो ही पुलिस के लिए भी होने चाहिए। इसके ऐसा होने की वजह मैं हूँ सर। इसकी सजा मैं भुगतूंगा। आप गिनती शुरू कीजिए, मैं उठक बैठक लगाता हूँ। अरे 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 अरे, आप ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? मुझे माफ कर दीजिए दादाजी। सर, पढ़ाई करने से शिक्षा मिलती है, आशीर्वाद से संपत्ति मिलती है, और सजा से बुद्धि मिलती है। अगर आप इसको जेल में रखेंगे तो इसको भी बुद्धि आ जाएगी। आप इसे जेल भेज दीजिए। नहीं, ये स्टूडेंट है, अगर एक बार इनका नाम पुलिस रिकॉर्ड में आ गया तो इनकी जिंदगी खराब हो जाएगी। छोड़ दो इन्हें। ऑलरेडी रिकॉर्ड में आ गया है सर। मूर्ति, इन्हें पकड़ने से कुछ नहीं होगा। जो लोग इनकी इस कमजोरी के साथ खेल रहे हैं ना, सबसे पहले उन लोगों को पकड़ना होगा। अगर तू बोतल खोलेगा तो मैं तुझे लुंगी खोल कर डांस दिखाऊंगा। अरे लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस। अरे दिखा सकता है तो की आदमी है, देख लो। अरे क्या न्यूसेंस है ये? लाइसेंस? अरे सर कसम से मेरे पास कोई गाड़ी है ही नहीं। अरे सर, जो तुमसे पूछ रहे वो न्यूसेंस, लाइसेंस नहीं। वो क्या है ना सर कि मेरे शरीर में कपड़े और हाथ में एक भी पैसा नहीं टिकता। एक रुपया नहीं, तेरे हाथ में 100 रुपए टिकने का उपाय करता हूँ। अब आप लोग जरा ऊपर देखिए सर। क्यों देखे? हाँ, नमक क्यों दे रहे हैं सर? मेरी बीपी तो बिल्कुल ठीक है।
बता सकता हूँ मामा, बता सकता हूँ मामा। तो बता कहाँ पर है? ऐसे फ्री में ही बता दूँ क्या? हाथ में पैसे आएंगे तो जुबान खुद बोलेगी। लाओ लाओ जल्दी लाओ। नोट तो पुराना है लेकिन चलेगा। पिलर नंबर 786, उसका नाम है जुल्फाजी बैनर्जी, मैकेनिक का काम करता है। मैकेनिक? वो क्या है सर, इसका मतलब है मैकेनिक। ठीक है ठीक है। देखा ना पुलिस वाले से कैसे पैसे लिया? क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहा है? जाना मुझे अच्छी तरह से आता है। सर फिर से पैसे देंगे क्या? हाँ जरूर देंगे। ये क्या कर दिया सर? निकाल दीजिए सर। पुलिस वाले को नचाएगा तू? अब देख पुलिस वाले तुझे कैसे नचाते हैं। चल चल नाच नाच नाच। हाँ ऐसे चल। लाइफ से खिलवाड़ करता है तू? जान से मार दूंगा तुझे, बता कौन है तेरा बॉस? जी कहा करते थे, हमेशा याद रखना, अच्छे वक्त चल रहे हो तो चार पत्थर पीछे फेंक देना। मैंने उनकी बात सुनी तो आज मैं ऐसा हूँ। अरे चलो काका, चलो चलो आगे चलो। अरे काका, राजा साहब से बात करके सेटलमेंट कर लो, बिना मतलब उनसे पंगा लेने क्या जरूरत है। सर यही भूख हड़ताल पे बैठे हैं। क्यों ऐसी बात कर रहे हो? मैंने तुम्हारे घर पर कब्जा किया है क्या? मैंने तुम्हारी जमीन पर फैक्ट्री डाल ली है, फिर ये भूख हड़ताल क्यों कर रहे हो? आपने मेरे घर को ऑफिस बना लिया है, 5 साल से यहाँ बैठे हुए हैं। आप तो आप भाड़ा भी नहीं दे रहे। आप पैसे नहीं देंगे तो हम जिएंगे कैसे? तो अब तक कैसे जी रहे थे तुम लोग? देखिए माता जी, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं पैसे जरूर दे देता। क्यों आप हमारी जिंदगी से खेल रहे हैं? हमारी जिंदगी बिल्कुल नरक बन गई है। नरक बन गई है? तुमसे खराब तो मेरी जिंदगी हो गई। दुनिया भर में ये हवा फैला रहे हो कि मस्तान राज ने तुम्हारी जमीन हड़पी है, बस पोस्टर छापकर पब्लिसिटी बची हुई है। अब ये बताओ वो कौन देखेगा? पैसे नहीं देंगे तो हम भूख हड़ताल बंद नहीं करेंगे। नहीं दूंगा तो मरते दम तक यही भूख हड़ताल करूंगा। ए गुगलू। यस सर। एक आदमी बिना खाए पिए कितने दिन रह सकता है देखो। सर गूगल बता रहा है कि कृष्णा जी थे जो बिना खाए 40 दिन तक जिंदा रहे थे। अंकल जी मैं ये नहीं चाहता कि आप इतने दिन तक भूखे रहें। तो भी बर्बाद हो जाएगा। ये बुढ़िया बड़ी बेरहमी से बद्दुआ दे रही है, इसका भी कुछ इंतजाम करो। क्यों डैडी? हम लोग तो मार्क्स के लिए पढ़ाई करते हैं, आप क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? आपको भी मार्क्स मिलने वाले हैं। हाँ बेटा, अभी सब इंस्पेक्टर मार्क्स बढ़ जाएंगे तो इंस्पेक्टर बन जाऊंगा। आपका सब्जेक्ट क्या है? मुझे किसी को एक सबक सिखाना है। कौन है वो?
है गुंडा जिसने क्वेरी बनाने के लिए कुछ लोगों की जमीनें हड़प ली हैं। उसे खाली करवाने के लिए दिल्ली से एक ऑफिसर आया है। जमीन का एक टुकड़ा लेकर तुम लोग बाकी की जमीनों का भी पत्थर काट रहे हो। जल्द से जल्द तुम लोगों को ये काम रोकना पड़ेगा। और उस गुंडे ने रिपोर्ट में लिखवा दिया कि पत्थरों के ब्लास्ट में उस ऑफिसर की मौत हो गई। हाय राम, ये तो बहुत बड़ा पाप है। ये तुम्हें और मुझे लगता है, लेकिन उन जैसे आदमियों के लिए ये सब चीजें पाप नहीं होती। उसे छोड़िएगा मत डैडी। आप कहाँ जा रहे हैं डैडी? ओह, टेस्ट देने जा रहे हैं? हाँ, मैं टेस्ट देने जा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊंगा। तुम जाओ और सो जाओ। बाय बाय। अरे बाप रे, नंदिता तुम हो? सर। नंदिता, मेरे पास जो भी फोटोग्राफ्स और डिटेल्स हैं वो मैं तुमको फॉरवर्ड कर रहा हूँ। तुम उनके बैकअप तैयार कर लेना। ओके, और बिल्कुल सावधान रहना। श्योर सर। क्या ये? हाँ? पागल हो गया क्या तू? किसकी फाइल तैयार कर रहा है बताया तुझे? पुरानी फाइल को रीओपन करने वाला तू होता कौन है? सर, अन्याय हुआ है और उसके खिलाफ सारे सबूत है मेरे पास। फाइल पुट अप कर दी है मैंने। इन्हीं पन्नों के साथ यही फाइल कमिश्नर साहब को भी पहुंचा दी है। बहुत बड़ी गलती कर रहा है तू। प्रॉब्लम हो सकती है तुझे। देश के हित के लिए जिसने शपथ खाई है वो कुछ ना करे तो सिर्फ पन्नों में रह जाएगा, और मैं वो नहीं रहना चाहता। अगर मैं कुछ करूंगा सर, तभी दूसरे भी सीखेंगे। ऐसे लोग कहाँ होते हैं, लाखों में एक ही होते हैं ना। वही लाखों में एक बनना है मुझे सर। जब तक तू पीना नहीं छोड़ेगा मैं घर नहीं आऊंगी। घर में पीता हूँ तो इसमें क्या बुराई है? चल, तू हट, बात मत कर मुझसे, पीछे हट। नाटक बंद कर, एक पैग लगा तो सारी एकड़ी निकाल दूंगा। अगर मेरा दिमाग खराब हुआ ना तो तू वहाँ पड़ा हुआ मिलेगा। अभी बताता हूँ तुझे मैं। क्या हो रहा है? क्या कर रहा है तू? रोड पे नाटक कर रहे हो? क्यों परेशान कर रहे हो इस औरत को? ये मजाक करने की जगह है। ये मेरी बीवी है साहब। हाँ साहब, ये मेरा आदमी है। ये मेरी बीवी है, मैं इसको जैसे चाहूँ मारूँ, उसमें आपको क्या? पत्नी है तो पीटने का लाइसेंस है तुझे? इडियट, तुझे तो मैं अच्छी तरह से देखता हूँ। ए, सुनो, इधर आओ। ए, मरा भी तो ब्रिज पे जाके, हमारे लिए मुसीबत छोड़कर गया है वो। ये केस इंस्पेक्टर जयदेव हैंडल करने वाला है, अभी क्या करें सर? नो चांस सर, जितना मांगेगा दूंगा। लोग सलीम के नेता आईसीयू में है, उन्हीं को देखने के लिए हंगामा कर रहे हैं। तू हमें रोकने वाला कौन होता है? हमारे नायक अंदर है, हम उन्हें देखने जरूर जाएंगे। देखिए, मैं से आपको बोल रहा हूँ कि आप लोग यहाँ से चले जाइए। आप लोगों को एक बार समझाया दीजिए। इस वक्त मत कुछ। कौन है महिला? ये अपने एसआई हरि की वाइफ है सर। इस समय मेरा दिमाग मत खाओ, जाओ तुम। बात ही नहीं समझ रही बात। मैं एसआई हरि की पत्नी हूँ सर, इनसे कहिए ना मुझे एक बार उन्हें देखने। अरे देखने के लिए कुछ भी नहीं है, पूरा जलकर राख हो गए हैं।
आप ऐसे कैसे बात करें, इन्हें एक बार जाकर देखने दीजिए। ऐसे कैसे, पोस्टमार्टम करना है वो आप कीजिए ना। अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, कल करूंगा। सर मरने वाला एक पुलिस ऑफिसर है, आप जल्दी ये काम कीजिए। मैं कोई लेबर दिख रहा हूँ, रात भर ड्यूटी करके थक चुका हूँ मैं। आप इस तरह से पोस्टमार्टम के लिए मुझ पर प्रेशर नहीं डाल सकते। अंदर ये सब है तो क्या, हमको उनसे मिलना है। ए, समझ में नहीं आता तुम लोगों को, पुलिस वालों को मजाक समझ रखा है। सॉरी सर, मैं आधे घंटे में रिपोर्ट दे देता हूँ। मार उधर लगी और रिएक्शन इधर हो रहा है। आप बैठ जाइए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही आपके पास भेजता हूँ। सर जलाने से पहले एसआई साहब पर 7 बार चाकू से वार किया गया है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है। सर एसआई साहब का मर्डर चूंकि हमारे एरिया में ही हुआ है, इसलिए हमें इन्वेस्टिगेशन करना पड़ रहा है सर। ये एरिया की बात नहीं मूर्ति, जांच करनी होगी। मैडम आप यहाँ से चले जाइए, मैडम प्लीज चले जाइए, आप यहाँ मत बैठिए प्लीज मैडम। ए, आप तुम चुप रहो। सर डैडी कह रहे थे वो टेस्ट के लिए जा रहे हैं, क्या यही वो टेस्ट है मम्मी? I am very sorry भाभी जी, आप कहें रुकना ठीक नहीं है, मैं पुलिस को बोल देता हूँ आपको घर छोड़ देगी। आपको यहाँ सिर्फ ये लकीरें नजर आ रही होंगी इंस्पेक्टर साहब, लेकिन इन लकीरों में मुझे वो नजर आ रहे हैं, जिंदगी भर वो सच्चाई के लिए लड़ते रहे, उनकी मौत भी सच्चाई की रक्षा के लिए हुई। मैं नहीं चाहती कि उनकी ये मौत बेकार चली जाए। उनकी मौत बेकार नहीं जाएगी क्योंकि सच्चाई कभी नहीं मरती, शायद इसीलिए उनका केस मेरे हाथों में आया है। दोस्त तुम्हारी ये शहादत बेकार नहीं जाएगी, जहाँ तक जाना पड़े मैं जाऊंगा, जिससे भी लड़ना पड़े मैं लड़ूंगा, चाहे वो पुलिस वाला हो, कोई मुजरिम हो या कोई बड़ा आदमी ही क्यों ना हो, ये मेरा वादा है। उसे सलाखों के पीछे डालूंगा, न्याय के लिए अंतिम सांस तक लड़ूंगा। चल उड़ जा रे पंछी की अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी की अब ये देश हुआ। ये क्या है साहब जी, जेल के अंदर तो नए कपड़े मिलते हैं ना, तो मुझे क्यों नहीं दिए? यहाँ कपड़े नहीं डंडे मिलेंगे, डंडे वो भी पूरे हिसाब से। आप लोगों में दिल है ही नहीं बिल्कुल है? अगर तेरे पास दिल होता तो तू अपनी बीवी को क्यों छोड़ता है? अरे उसे मैंने नहीं छोड़ा, वो ही मुझे छोड़ गई। और बच्चे? बच्चे हम दोनों को छोड़कर चले गए। धक धक करने लगा और मेरा जीरा डरने लगा, और धक धक करने लगा मेरा जीरा डरने लगा, और धक धक करने लगा मेरा जीरा डरने लगा। मैडम मैडम यहाँ मत बैठिए मैडम। क्यों भाई, क्यों नहीं बैठना चाहिए, इसमें क्या बुराई है? वो क्या है, ये सर की चेयर है मैम। तब तो मैं जरूर बैठूंगी। अगर शादी के बाद हम एक घर शेयर कर सकते हैं, तो शादी से पहले हम एक चेयर क्यों नहीं शेयर कर सकते, बताओ? पर ये शेयरिंग वाली चीज नहीं है मैडम। हाँ मैडम। गुड मॉर्निंग सर। सर आ गए। आपका इंतजार। बाद में मिलता हूँ सर। क्या हुआ, कैसी मीटिंग चल रही है? भाभी जी आई है ना, मैडम आई है ना। यहाँ क्यों आई हो? ये ब्रीफकेस देने। कहाँ मिला ये ब्रीफकेस? जब तुम जीप में बैठकर चल दिए, तब पीछे से एक आदमी आया और उसने मुझे कहा कि मैं ये तुम्हें दे दूं। सर
वो बाहर देता तो रिश्वत होता, इसलिए यहाँ भेज दिया। Shut up, सर। खोलो इसे। सर। खाली डब्बा खाली बोतल ले ले मेरे यार, खाली से मत नफरत करना, खाली सब संसार, खाली डब्बा खाली बोतल ले ले। इसे लॉकअप में क्यों बंद करके रखा है, छोड़ दो इसे। सर छोड़ा था तो बाहर जाती है, लुंगी खोल देता है, दो चार लोग तो बेहोश हो गए इसे देख के। इसे तो अंदर ही रखना चाहिए सर। अरे वाह, लड़कियां कम कपड़े पहने तो कुछ भी नहीं, और मेरी लुंगी फिसल जाए तो सबको तकलीफ होती है। मेरी लुंगी ऐसे ही नहीं फिसलती, जब कुछ होने वाला होता है तभी फिसलती है। मूर्ति सर इसे लेकर जाओ। ड्राइवर जीप निकालो। हाँ सर। जीप चाहिए, तनख्वाह में से पैसे कटवाओगे? ऑटो में लेके जाओ इसे। सर चलिए मैडम। जानू तुम जल्दी घर आ जाओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सर कल रात इस इलाके से कोई दंपति जाते हुए दिखाई दिया था सर, मैंने उस बारे में पूछताछ की, लेकिन गांव वालों का कहना है कि वो आसपास के नहीं है। इस इलाके की जनता गौर से सुने, सब इंस्पेक्टर हरि को पेट्रोल डालकर बड़ी बेरहमी से जला दिया गया था। मुजरिम के फिंगरप्रिंट्स इस पेट्रोल कैन पर मौजूद हैं, तो सभी लोग बाहर निकलकर अपने अपने फिंगरप्रिंट्स यहाँ पर दें, कोई भी बचने की कोशिश नहीं करेगा। चलो तुम भी चलो, आप लगाइए यहाँ पे लगाइए। ये आईजी सर का ऑर्डर। मछली फंसाने के लिए जाल बिछाते हैं, लेकिन हमारे सर मुजरिम पकड़ने के लिए दिमाग चलाते हैं। दरअसल इस कैन पे फिंगरप्रिंट है ही सर। से इंस्पेक्टर जयदेव बोल रहा हूँ सर। इंस्पेक्टर जयदेव? हाँ बोलो, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ सर, आप कहाँ हैं सर? मुझे आपसे एक अर्जेंट बात करनी है। ए, ये कौन सा गांव है? माधवपुर, काशी के पास। काशी के पास? मूर्ति वो लोग यहीं कहीं पर हैं, मुझे चकमा देने की कोशिश कर रहे हैं, अर्जेंटली इनका कॉल ट्रेस करो, पता लगाओ ये कहाँ पर है। ओके सर। सर
आप कल तक आ जाएंगे ना? मामला थोड़ा सीरियस है, देखना पड़ेगा। सुनो, कल काशी के बाद क्या प्रोग्राम है? ओ, बद्रीनाथ। देखो भाई, कल हम बद्रीनाथ जाएंगे और वहाँ से फिर गंगोत्री जाएंगे। क्या हुआ? जो पाप किए हैं उन्हें धोने के लिए जाना है। ये क्या है, बकवास करते हो? अगर आप ये नहीं बताएंगे कि आप कहाँ पर हैं, तो मुझे खुद वहाँ चल के आना पड़ेगा। सर, वो काशीवासी कहीं नहीं गया, यहीं कहीं आसपास बैठ के तीर्थ कर रहा है सर। काशी जी जयदेव, जिगर वाले हो, इनाम दिलवाना पड़ेगा। मेरे और भी बहुत सारे धंधे हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं मेरे अंदर, उन सारे लोगों को मुझे ही पैसे देने पड़ते हैं। और तुझे तो सरकार पैसे देती है ना, सरकार का पैसा जनता का पैसा। अब उस सब इंस्पेक्टर की बात ही सुन लो, उसने मेरी बात नहीं सुनी, शायद उम्र खत्म हो गई थी, चला गया बेचारा। थोड़ी सी तनख्वाह के लिए काम करते हो तुम पुलिस वालों, पता नहीं इतनी टेंशन क्यों लेते हो। कुछ लोग सिर्फ तनख्वाह नहीं, ड्यूटी के लिए भी काम करते हैं। श्री हरि भी इसी तरह का पुलिस वाला था। बताया ना तुझे, उस बेचारे की उम्र खत्म हो गई थी। और तुम कितने साल जियोगे? 70 के ऊपर। जन्म कुंडली देखी थी मैंने। तो अपनी जन्म कुंडली किसी अच्छे ज्योतिषी को एक बार और दिखा ला। सर, नारियल पानी। नारियल पानी इसे पिला दो, बहुत गर्म हो रहा है, नारियल की तरह ठंडा हो जाएगा। ए, ये क्या कर रहा है, इसे फेंक क्यों रहा है? भगवान को नारियल चढ़ाकर हम समझते हैं हमारे सारे पाप धुल गए। अब मैं बस ये चाहता हूँ कि तू भी इस नारियल के जरिए अपने सारे पाप मान ले। ये चमत्कार हो गया, एक साथ तीन तीन निशान, इसे तो गूगल में अपलोड करना चाहिए। अच्छा, गूगल की चमत्कार दिख रहा है। अरे नारियल का निशान है ये, नारियल का। नारियल के निशान? नारियल का निशान नहीं है, लगता है किसी लड़की ने आपको किस किया है। उसने जानबूझ के तीन शेर के निशान लगाए हैं आपके ऊपर। बंद कर मुंह, अगर तू मेरी औलाद है, अगर तू मेरा खून है, तो उसने जितना मुझे मारा है उससे डबल उसे मार। सर, ऐसा ही श्रीहरि को चार लोगों ने मारा था, उनमें से तीन की लाश मेरे एरिया में पड़ी है। मुझे पक्का यकीन है सर कि उन तीनों आदमियों को उस इंस्पेक्टर जयदेव ने ही मारा होगा सर। साले, उस इंस्पेक्टर को हमारे ही चार लोगों ने मारा था, पर यहाँ लाशें तो सिर्फ तीन ही है, चौथा कहाँ गया? मुझे पक्का यकीन है जीजा जी, ये हमारे साथ गेम खेल रहा है। ये हमारे गांव के नहीं लगते हैं। हाँ सर, मुझे भी ये सारा मामला कुछ अजीब ही लग रहा है। कल आपके एरिया का इंस्पेक्टर मेरे एरिया में था। ए, ये तुम्हारे एरिया के लोग है ना, तो बॉडी भी अपने साथ लेकर जाओ। नहीं, ये कैसे हो सकता है, क्राइम जहाँ होता है उसी एरिया की पुलिस को चार्ज लेना पड़ता है। सर, अगर आपको याद नहीं तो एक बार आपको रिफ्रेश करवा दूं क्या? पुलिस स्टेशन की हमेशा लिमिट होती है, हाँ, लेकिन गुंडों की नहीं होती। तेरे से बात करनी है मुझे, कैंटीन में मिलना। समझता है क्या है अपने आपको, कानून हमारे हाथ में नहीं होता, बस थोड़ी पावर होती है। अगर कुछ भी उल्टा सीधा हो गया ना, कंधे पे जो स्टार लगा कर घूम रहा है उन्हें उतार कर सीधा यहाँ से तुम्हें फॉरेस्ट एरिया में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मैं डर के काम नहीं करता सर। डरना पड़ता है, हम कोई आईजी या डीआईजी नहीं है, हमें एक लिमिट में रखे काम करना होता है। सच्चाई की कोई लिमिट नहीं होती सर। सुन, मैंने तुझे भाषण सुनाने के लिए नहीं बुलाया, समझा रहा हूँ, काम करने का तौर तरीका बदल दे। मैं नहीं बदलूंगा सर, ऐसा ही रहूंगा, जब तक मेरे बदन पे ये खाकी वर्दी है ऐसे ही काम करूंगा। तुझे समझा रहा हूँ, वार्निंग देने के लिए बोला है मुझे। किसने सर? मस्तान राज ने।
अगर वो भी मेरे सामने रहा ना तो उसे भी मैं यही जवाब दूंगा। तुमने उस इंस्पेक्टर पे हाथ उठाया, अगर उसने रिटर्न कंप्लेंट दे दी तो तुम पे इंक्वायरी होगी, तुम्हारी मेंटल कंडीशन चेक की जाएगी। पता है तुम्हारी मेंटल कंडीशन क्या है? सर, एक इंस्पेक्टर ने दूसरे पर हाथ क्यों उठाया ये जानने की कोशिश नहीं करेंगे? नहीं करेंगे तो किस काम का डिपार्टमेंट है ये? मेरी बात ध्यान से सुनो जयदेव, इस डिपार्टमेंट के नियम और कायदे कानून जान लो। ये डिपार्टमेंट ये नहीं पूछेगा कि तुमने उसे क्यों मारा, बल्कि ये कहेगा कि तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम्हें बताना चाहिए था ना। ऊपर वाला माफ करे, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो फिर से माफ कर दो। अगर तुम्हें किसी भी तरह की प्रॉब्लम थी तो तुम्हें डिपार्टमेंट को बताना था। तुम्हें हक नहीं दिया गया कि तुम किसी को भी मारो। मुझे इन्फॉर्म किया था तुमने, इतना घमंड बढ़ गया तुम्हारा। इंस्पेक्टर हरी को मार दिया गया, उनकी बीवी और बच्ची को जवाब देने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? क्या हमारे डिपार्टमेंट पर नहीं? बताइए सर, जब रिपब्लिक डे आता है, जब इंडिपेंडेंस डे आता है, तो हमारा डिपार्टमेंट उन्हें सम्मान देने के इरादे से परिवार वालों को सर्टिफिकेट देकर तालियां बजाकर घर भेज देता है। यही होता है ना सर? तू तो किसी नक्सलवादी की तरह बात कर रहा है। बस एक सवाल पूछ लिया और मैं आपके लिए एक नक्सलवादी हो गया। सर पुलिस वाला भी एक इंसान होता है सर, लेकिन उसे रक्षक का नाम देकर उसकी एक अलग पहचान बना दी। लेकिन सर उस रक्षक की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं होता। सर पुलिस को देखकर लोगों की पैंट गीली हो जाए ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि पुलिस की पैंट कभी नहीं उतरनी चाहिए। सर हे ऊपर वाले, तू ही इसकी रक्षा कर सकता है। पता नहीं घर का क्या हाल होगा। हेलो हेलो, तेरी बुआ कहाँ है? स्टोर रूम में है बुआ। और तेरे मामा जी कहाँ है? मामा जी भी स्टोर रूम में है। स्टोर रूम में? जरा जाकर देख दोनों क्या कर रहे हैं। आप भी ना पापा, लड़का लड़की एक कमरे में क्या कर रहे हैं ये किसी को नहीं बताना चाहिए, देखने पर भी नहीं बताना चाहिए। ये बात तुझे किसने बताई? आप ही ने बोला था। हाँ ठीक है, मैंने ही बोला था, अब मैं ही बोल रहा हूँ, जाके देख दोनों क्या कर रहे हैं। ठीक है। अरे पापा वो खींच रहे हैं। खींच रहे हैं? लेकिन क्या खींच रहे हैं बेटा? अरे कुछ नहीं पापा, हाथ पकड़ के खींच रहे हैं। अरे बाप रे, अब बता क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के पास अपना मुंह ला रहे हैं। एक दूसरे को किस कर रहे हैं? अरे पापा चेहरा पास लाकर आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हैं। अरे सब कुछ सामने देख रहा है फिर भी सही नहीं बता पा रहा है, ठीक से बता। अभी फूंक रहे हैं पापा। क्या फूंक रहे हैं? बुआ की आंख में फूंक कर कचरा निकाल रहे हैं। किस्मत 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 ही खराब है अपनी। सॉरी, एक काम कर तू, वो दोनों जो बात कर रहे हैं मुझे सुनाई दे, किसी ऐसी जगह पे फोन रख। ठीक है। श्रुति तुम्हें बहुत पढ़ना पड़ेगा। तुम्हारे भाई ने तुमसे बहुत आस लगा रखी है। वो तुम्हें यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया कहाँ कहाँ नहीं भेजना चाहते हैं? इन सारी कंट्रीज में? अरे ये सारी की सारी कंट्रीज नहीं, लेकिन किसी एक कंट्री में तो भेजेंगे ना। कौन सी बैंक से कम इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल रहा है, इसके भी इंक्वायरी कर रहे हैं। अच्छा, ये पुलिस वाला है या स्टोरी राइटर? अगर ये बातें इतनी लच्छेदार कर रहा है तो फिजिकली पता नहीं क्या क्या कर रहा होगा। मुझे तुरंत घर पहुँचना होगा। भाभी सुनो, मैं अपना टॉवल भूल आई हूँ, जरा देना प्लीज। दीदी मैं दे देता हूँ। हाँ जेनू, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें चीख क्यों आई? वो मुझे नहीं, वो बाथरूम में चीख आई। तो तू बाथरूम में गया था क्या? वो उसने टॉवल मांगा था ना, इसलिए। टॉवल देने पर थैंक्स बोलते हैं, चीखते थोड़ी। निकल ले जाते यहाँ से। उमा, उमा देवी कहाँ मर गई है? चिल्ला रहा, गला फाड़ के चिल्ला रहा, तुम्हें सुनाई नहीं देता? आपकी कसम कुछ नहीं सुना। तुम बार बार मेरी कसम क्यों खाती हो? देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उन दोनों के बीच जरूर कुछ चल रहा है। थोड़ा बहुत तो चलता है, उससे भी ज्यादा कुछ चल रहा है। आप भी दूसरों की बातों पर क्यों यकीन कर लेते हैं? अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है वो सब। एक महीने में दो बार आते हो, जब देखो तब मुझ पर चिल्लाते रहते हो। बच्चों को पढ़ाना लिखाना कितना मुश्किल होता है पता भी है आपको? उसने
आर्मी ऑफिसर से मेरी शादी हुई है। ऑफिसर को यहाँ क्यों आ रही हो? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है तो बताओ। नहीं कुछ नहीं चल रहा है। सच में कुछ नहीं चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा, दौड़ रहा है। दौड़ रहा है। जो करना है कर लो। थैंक यू अंकल। नो प्रॉब्लम बेटा। इन सब की क्या जरूरत थी? अरे इसमें क्या हुआ, हमारे केस के लिए कुछ बहुत मजबूत सबूत मिल गए, आपको जल्दी ही न्याय मिल जाएगा। ए रमेश, अब सिर्फ तू ही बचा है और तुझे अच्छे से पता है वो तीनों क्यों मरे। अगर तुम्हारे आगे कोई पैसे फेंक देगा तो तुम पुलिस वालों को भी मारोगे। हाँ तुम्हारा ऐसा नहीं करेंगे सर, सॉरी सर। एक पुलिस ऑफिसर पर वार करके तुमने उसे बड़ी बेरहमी से सड़क पर जिंदा जलाकर मार डाला। तुम इंसान नहीं दरिंदे हो। बताओ किसका हाथ है इसमें? सर हमने बता दिया तो वो हमें मार देगा। अगर नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। बताओ। मुझे नहीं, कोर्ट में बताना होगा तुझे। सर ये बात बिल्कुल सच है सर, हम चारों ने उस पुलिस वाले को मारा, मस्तान राज ने हमें मारने के लिए कहा था सर। कौन हो तुम? सा एक मिनट, ये देखिए सा। इंस्पेक्टर हरी को तुम कैसे जानती हो? तुम उसके इन्फॉर्मर हो क्या? हाँ सा, मस्तान राज के सारे रिकॉर्ड्स उन्होंने मुझे दिए थे सेफली रखने के लिए। उस दिन जब मैं उनसे मिलने के लिए गई तो मुझे पता चला कि हरी सर के साथ वो हादसा हुआ। उन्हीं रिकॉर्ड्स को आप तक पहुँचाने के लिए आपको फॉलो कर रही हूँ। ये आईपैड अपने पास रखो। सर इसका पासवर्ड आपको बताने की जरूरत नहीं है। इस केस में बहुत सारे बड़े लोग इन्वॉल्व हैं और वो मेरा पीछा कर रहे हैं। इंस्पेक्टर हरी की मौत का एक ही गवाह बचा है और वो है रमेश। सर, यस सर, दोनों विटनेस मेरे पास है सर। जरा उसे फोन तो देना चाहिए। देता हूँ सर। देखो तुमने अभी अभी इसे जो स्टेटमेंट दिया है ना, केस उसी पर निर्भर करता है। कोर्ट में अपना स्टेटमेंट बदल मत देना। यहाँ जो बोला है कोर्ट में बदलोगे तो नहीं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं बदलूंगा, यही बोलूंगा सर। ठीक है, अब इंस्पेक्टर को फोन देना जरा। सर देखो जयदेव, अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। मैं तुम्हें स्पेशल पावर दे रहा हूँ, अगर तुम्हें लगता है कि विटनेस वहाँ पर सेफ है तो उसे वहीं रखो। हाँ यही सेफ है सर, ये जगह किसी को नहीं पता। ओके, गॉड ब्लेस यू सन, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। जब तक ये कोर्ट में गवाही नहीं दे देता हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। तब तक ये चाबी आप अपने पास रखिए। ठीक है। माफी चाहता हूँ, मैं आपको काफी तकलीफ दे रहा हूँ। उसने रमेश को कहाँ छुपाया है कुछ पता नहीं चल रहा है। ए, उसे सिंगापुर में रखा है या मालदीव में जाके रखा है? अरे इसी गांव में कहीं छुपा कर रखा होगा ना। दो कदम इधर देख लिया, दो कदम उधर देख लिया और मेरे पास ये खबर देने के लिए चले आए कि उसका पता नहीं चल रहा। ऐसा नहीं है सर। फिर कैसा है? वो फाइल लाइजी के पास है। जानता हूँ, मैं सिर्फ तुझे नहीं पाल रहा, तेरे जैसे कई लोगों को पाल रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग खाने के बाद डकार तक नहीं लेते। सुना चुके ना मुझे कुछ खबरी? अंकल देखिए मैंने कितना इजीली कर दिया। बाहर एक नई पान की दुकान खुली है, आप किससे बात कर रही हैं, किससे मिल रही हैं, दुकान वाले को सब पता होगा। हमें अच्छे से पता है कि वो सारे लोग मस्तान राज के आदमी हैं। हम उनकी सजा के बारे में सोचते हैं और वो बचने के बारे में सोचते हैं, इसलिए वो लोग हर तरह के हथकंडे अपनाएंगे। अब जैसा कह रहा हूँ आप वैसा ही कीजिए। इस केस की कोर्ट में सुनवाई पता नहीं कब होगी, सुनवाई होने तक हमें गवाह को बचा कर रखना होगा। गवाह कहाँ पर है ये मेरे और आपके अलावा किसी को नहीं पता, इसलिए उन्हें सजा मिलनी बहुत जरूरी है, तभी मेरे मन को शांति मिल पाएगी। अंकल इन दो उंगलियों में से किसी एक को पकड़िए, मेरे डैडी को जिसने मारा उसे जरूर फांसी की सजा होगी।
सर, मस्तान राज को पकड़ने के ऑर्डर आ गए सर। क्या बात है, व्हाट्स हैपनिंग हियर? सर, मस्तान राज का अरेस्ट वारंट आ गया सर। चाहिए सर, सीना तान के जाइए और उसे अरेस्ट करके लेके आइए। 30 मार का बनता था वो, ऐसे नहीं उसे सड़क पर घसीट कर लेके आइएगा। सर, जाने से पहले एक सेल्फी हो जाए सर। इंस्पेक्टर साहब को प्रसाद तो ला कर दो। लगता है जब तक इनका काम नहीं हो जाता ये प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे। एकदम सही कहा, भगवान के पास भक्त आते हैं और चोरों के पास पुलिस पहुंचती है। तुम लोगों ने कुछ गलती की है क्या? मजाक का टाइम खत्म हो गया, टाइम है हथकड़ी पहनने का। रुक जाओ, नया खून है, नई नई ड्यूटी ज्वाइन की है, हथकड़ी पहनाने के लिए ऐसे ही चले आए कर? इन सब के लिए कानूनी प्रक्रिया होती है, बहुत महंगा वकील रखा हुआ है मैंने अपने लिए। केस पहले सुप्रीम कोर्ट जाता है, मालूम है कि नहीं? वहाँ तक जाने की जरूरत नहीं। वारंट लेकर आए हो? ए गुगलू, हमारे देश में अरेस्ट होने के बाद कितने घंटे में बेल होती है देख कर बता। एक क्रिमिनल जो अपना इंडियन ही है, लंदन में अरेस्ट होने के बाद उसे 3 घंटे में बेल मिल गई थी। उस बेचारे को 3 घंटे लगे थे, मेरा 1 घंटे में हो जाएगा। इट्स अ नॉन बेलेबल वारंट। सूर्य की किरण हर जगह होती है और जहाँ नहीं होती वहाँ मैं हूँ, ये पूरा एरिया मेरा है। सूर्यास्त होने के बाद भी अगर कोई उसे अरेस्ट कर सकता है तो वो है पुलिस। कितने चाहिए तुझे? कितने चाहिए ये मत पूछ, क्या चाहिए ये पूछ। क्या चाहिए? तेरे हाथों में हथकड़ी, तू जीप तक चल कर जाएगा। इंस्पेक्टर हरी केस में तू फांसी पर चढ़ेगा। तुम लोगों ने बजाओ। जरा गाड़ी रुको, मूर्ति जाकर देखो तो वहाँ क्या हो रहा है। सर, अरे क्या हो गया? चल 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 चल
चली सर। बताओ ना क्या हुआ। सर वहीं चल के देखिए ना सर। रमेश मस्तानराज का आदमी। सब इंस्पेक्टर हरी तुम्हारे एरिया में मरा और उस दिन की बात तो याद होगी, सारे गुंडे इस तरफ मरे थे पर ये बिल्कुल सही जगह पर मरा है। बेचारा हाथ से निकल गया था। तो अब तू कोर्ट जाएगा। ए, वहां तुझे मुंह छुपाना पड़ जाएगा, इसी बात से डर रहा है ना। अरे तो जिद छोड़ देना। पहला मुकाबला तूने जीता था और दूसरा मुकाबला मैंने जीता, अभी तो हिसाब किताब बराबर चल रहा है, लेकिन फाइनल मुकाबले में मैं ही जीतूंगा क्योंकि तुझे हारने से डर लगता है और जो डर गया सो मर गया। दोस्त तुम्हारी ये शहादत बेकार नहीं जाएगी। जहां तक जाना पड़े मैं जाऊंगा, जिससे भी लड़ना पड़े मैं लड़ूंगा, चाहे वो पुलिस वाला हो, कोई मुजरिम हो या कोई बड़ा आदमी क्यों ना हो, ये मेरा फर्ज है। न्याय के लिए अंतिम सांस तक लड़ूंगा। हेलो सर, हमने जिस जगह पर विटनेस को छुपा कर रखा था ना, वहाँ पर हैवी फायरिंग की गई है। ननिता भी यहाँ से गायब है। अरे जा, परे हट जा। तू कहता खुद को कूल बड़ा पर लगता है तू फूल बड़ा। लड़की पटाना आता नहीं, जाने कौन सा है स्कूल पढ़ा। ऐसी तुझ में बात नहीं कि दिल बिल तुझ पे मैं हारूं। तेरे जैसे को तो मैं अपने ठुमके से ही मारूं। ना मुझ पे तू रे 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 मैं छमक चलो मुंबईया। रे 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 रे
है शम्मा पर जले परवाना। काले जादू बेबी जादू कर देता मेरा जादू, तेरा जादू है बाहरे वाह। लगता है कि रमन्ना को बहुत बुरी तरह से मारा गया है। क्या लगता है नंदिता को मार दिया गया होगा? नहीं हो सकता, नंदिता बहुत चालाक लड़की है, जरूर इनसे बच गई होगी। जरा फोन लगाओ उसे। सर, फोन स्विच ऑफ है। ऑफ है, लेकिन वो हमें फोन जरूर करेगी। हाँ बोलो मूर्ति। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। जी हाँ, पोस्टमार्टम कंप्लीट हो गया। पुलिस वाले जानबूझकर गोली नहीं चलाते, जब जान पर बनाती है तभी चलाते हैं। उसने भी ऐसा ही किया होगा। अरे आप लोग यहाँ पर क्यों आए? पब्लिक के समय बहुत गुस्से में है, कहीं ऐसा ना हो हमारे इंस्पेक्टर को ही मार दें। मारने दो, हर बार तुम मारोगे और हम मार खाएंगे। अब की हमारी बारी है। कुछ कीजिए, पब्लिक को भड़काइए सर, चाहिए। ये लीजिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट और ये डेड बॉडी से मिली बुलेट। ये बॉडी मेरे एरिया में मिली है, इसलिए ये केस मेरा है। पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन। आईजी साहब से मिलना है। सॉरी सर, वो भी बहुत बिजी हैं। ये ऑर्डर आपको देने को कहा है। ऑर्डर मेरे लिए? हाँ सर। क्या हुआ? सस्पेंशन ऑर्डर मिल गया ना? हाँ मिल गया सर। तो फिर मेरी गलती क्या है सर? क्या बात है, ये तुम्हारी बीवी की बनाई कोई सब्जी है जो अगर जल गई तो चल जाएगी? फॉरेंसिक रिपोर्ट में एक एक चीज साफ लिखी हुई है कि रमेश की डेड बॉडी से जो बुलेट रिकवर हुई थी वो तुम्हारी गन से ही चलाई गई थी। तुम्हारी गन से चली थी वो बुलेट, इसलिए तुम्हें सस्पेंड किया गया है। मेरी गन से? सर बट ऐसा नहीं हो सकता। लूज योर जॉब सर, प्लीज। ब्लेस यू माय सर। सब लोगों ने पुलिस की नौकरी के लिए मना किया था, पर मैंने किसी की नहीं सुनी। पर अब लगता है वो फैसला गलत था दीदी। सब ठीक हो जाएगा, तू फिक्र मत कर, ठीक है? मामा जी, मामा
मुझे होमवर्क कर दो ना प्लीज। क्यों कर दूं? टीचर ने कहा अगर हम होमवर्क नहीं करेंगे तो वो फेल कर देंगी। नहीं, अकल नहीं है। होमवर्क करना तुम्हारा काम है या मेरा काम है? इतने छोटे छोटे बच्चों को होमवर्क दे देते कैसे टीचर सही है? इनके होमवर्क की वजह से हम परेशान होते हैं। पता नहीं कैसे इन टीचर्स को नौकरी मिलती है, इसीलिए देश गर्त में जा रहा है। ये देश कभी सुधरने वाला नहीं है। चलो चलो मेरे साथ चलो, मैं होमवर्क करवाती हूँ। भाई क्यों मार रहा है इसको? हमारे देश को बदनाम कर रहा है ये आदमी। क्या किया तूने? मैंने कुछ नहीं किया, ये मुझे ऐसे ही बेमतलब मार रहा है। तुम बात को पलट रही। लाइट किसने बनाई? फॉरेनर ने। फोन किसने बनाया? फॉरेनर ने। यहाँ तक कि साइकिल किसने बनाई? वो भी फॉरेनर ने। तो इसमें गलत क्या है? करेक्ट तो है। एकदम करेक्ट है। हमारे देश ने कुछ नहीं बनाया। कुछ नहीं बनाया हमारे देश ने। कुछ नहीं बनाया हमारे देश ने। अरे तो तुम बताओ क्या बनाया हमारे देश ने? हमारे देश ने 300 जातियाँ बनाई। कितनी? 300। जाति बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात नहीं है? अगर बड़ी बात नहीं होती तो मेरी जात बड़ी है। मेरी जात बड़ी बोलते क्यों करते तुम लोग? जब तुम्हें शादी करनी होती तो अपनी जात वाले को देखकर शादी क्यों करते हो तुम लोग? अगर जात पात बड़ी नहीं है तो जात पात के नाम पर एक दूसरे का गला क्यों काटते हो? सर 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 प्लीज शांत हो जाइए सर। सर चलिए यहाँ से। सर बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। सर आपको पता ही नहीं कि आप क्या बोल रहे हैं सर। ये सब आपको पागल समझ रहे हैं सर। सच्चाई हमको पता है सर, बस हमें सिर्फ फिटनेस चाहिए। एक बार नंदिता मिल जाए तो सब। कहाँ पर है वो? है कहाँ वो? देखो 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 देखो, वो फोन फोन नहीं उठा रही, फोन नहीं उठा रही। ये देखो, हाँ मैं सर, मैं लगा रहा हूँ, फोन नहीं उठा रही वो। देखो 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 देखो, हेलो कौन है रे तू? सर फोन। ये फोन तुम्हें कहाँ से मिला? सर क्रिकेट खेल रहे थे तो बॉल उधर चली गई, बॉल ढूंढ रहे थे तो वहाँ हमें ये फोन मिला सर। ये देना मुझे। सर ये भी फोन के साथ ही पड़ा हुआ था। इसमें कुछ देखा क्या? सर पासवर्ड हमें नहीं मालूम है सर। ठीक है तुम लोग जाके खेलो, जाओ। ओके सर। रेड लाइट एरिया से अपने साथ लेकर आया। हमें एक पुलिस क्वार्टर के पास एक गेस्ट हाउस में रखा था। रोज मेरी माँ से मिलने आता था, अपने स्वास्थ्य के लिए हमारी जरूरतें भी पूरी करता था। मुझे स्कूल में पढ़ाया भी। एक बार स्कूल के फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में मैंने पुलिस का ड्रेस पहना था और मुझे फर्स्ट प्राइज भी मिला। से मेरी माँ मुझे पुलिस ऑफिसर बनाना चाहती थी। माँ की इच्छा पूरी करने के लिए मैंने मेहनत करके पढ़ाई भी की, सारे टेस्ट भी पास किए, पुलिस की नौकरी भी मिल गई। थैंक्स कहने के लिए मैं मस्तान राज के घर गई। Hi, congratulations. सुना है पुलिस में नौकरी मिल गई? Thanks for your help. Come on, ये छोटा सा गिफ्ट तुम्हारे लिए। Thank you so much. पुलिस यूनिफॉर्म पहनना ही तुम्हारा एम्बिशन था ना? हाँ, thanks once again. कहाँ चलती नंदिता? जॉब ज्वाइन करना है ना? नंदिता, एक बार ये ड्रेस मुझे पहन कर दिखाओ ना। इस रूम में चेंज कर लो। ओके। देख आज की नाइट ड्यूटी मेरे साथ कर ले, पुलिस की ड्यूटी कल सुबह जाकर ज्वाइन कर लेना। तेरी माँ तो रेड लाइट एरिया से थी।
मेरे बाप ने तेरी माँ को वहाँ से निकाल कर उसका स्टेटस बढ़ा दिया था। अब अगर तू मेरी बात नहीं मानेगी तो तुझे भी रेड लाइट एरिया में पहुँचा दूंगा। देखो, प्लीज मुझे जाने दो। Just leave me alone. Please, just let me go. Please, छोड़ो मुझे। Please, छोड़ो। तुम्हारी बेटी ने जो भी किया तुम्हें पता है ना, फिर भी तुमने उसे कुछ नहीं कहा। दिल है ये, किसी भी वक्त किसी पर भी कहीं भी आ सकता है। उसी तरह मेरे बेटे का दिल तेरी बेटी पर आ गया, इसमें गलत क्या है? देखो, तुम्हारा मेरा रिश्ता है, उस हिसाब से वो उसकी बहन हुई ना। तुम जैसों के लिए रिश्ते मायने रखते हैं, इन्हें पत्थर की तरह पीछे डालो। कान खोलकर सुन ले, मेरा बेटा जो चाहता है ना उसे वो करने दे, नहीं तो सुन ले मैं तुझे वापस वही भेज दूंगा जहाँ से तुझे लाया था। बहुत हुआ, स्नान करवा दो इसे पेट्रोल से। आंखों के सामने जला दिया गया, इसलिए मैं पुलिस की इन्फॉर्मर बन गई और उन लोगों की सारी इन्फॉर्मेशन SIRE तक पहुंचाती रही। हालत काफी सीरियस है, ब्लड काफी बह गया है, कोमा में चली गई है। उसका होश में आना जरूरी है। मैं कोशिश तो पूरी करूंगा मगर चांसेस कम है। अरे चुन्नो, मार्केट जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए पटाखे ले आ। पटाखे नहीं चाहिए। क्यों मामा, ऐसे ही ब्लास्ट होते हैं, पटाखे क्या होंगे? चन्नू क्या कर रहे हैं? देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये यहाँ क्या कर रहा है? चला गया। इधर है तुम्हारे सर। तारिक कब है सर, बताइए? होश में आते तारिक पूछने लग गए। अपने ड्रेस की इज्जत करो। जयदेव, रमेश की बॉडी से मिली बुलेट तुम्हारी गन से चली थी, ये फॉरेंसिक रिपोर्ट में साफ लिखा है। तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो? मैंने रमेश को नहीं मारा सर, वो बुलेट वहाँ कैसे पहुँची मुझे नहीं पता। तुम्हारी गन से बुलेट निकल के कहीं और शूट हो जाती है और तुम्हें पता नहीं? रिवॉल्वर 24 आवर्स तुम्हारी कस्टडी में होनी चाहिए, बोलो होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए थी सर। अगर बुलेट मिस हुई है तो केयरलेसनेस तुम्हारी है ना? कोई बुलेट निकाल भी तो सकता है सर। ठीक है, पर ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हें प्रूव करना होगा। प्रूव करूंगा सर, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। किस बात के लिए वक्त चाहिए? सेल में तुम्हारी बुलेट चोरी हो गई, उस बात के लिए झूठी कहानी बनाओगे? सही कह रही हूँ ना सर? इन लोगों के लिए ये आम बात है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हाँ सही कहा, टाइम नहीं है,
एक सब इंस्पेक्टर ड्यूटी के दौरान मारा जाता है और उसके कातिलों को पकड़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता। एक ऑफिसर को माइंड ब्लास्ट करके मार दिया जाता है, उसकी इंक्वायरी का हमारे पास टाइम नहीं होता। जयदेव आर्गुमेंट मत करो, तुम्हें एक वीक का टाइम दिया जाता है। ओके? दीपावली है इसलिए हरि के घर पटाखे लेकर गया था, पर दरवाजे पर ताला था। कहाँ गए वो लोग? चिंता मत कीजिए सर, गांव गए होंगे। कम क्लोजर। सेल्फी ले रहे हैं सर वो लोग। हमने भी अरेस्ट वारंट के दिन ली थी ना, याद है सर? हाँ सर, उस दिन जो हमने सेल्फी ली थी ना वो मेरे फोन में है सर, देखिए। ए रुक 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 रुक, ये देख इसमें पांडे खड़ा हुआ है। इसमें पांडे क्यों नहीं? क्या है ये सब? फिर से सेल्फी? कितनी सेल्फी लोगे यार? ये बात नहीं है, अरेस्ट वारंट वाले दिन जो सेल्फी ली थी उनमें कुछ फोटो में तुम नहीं हो, बस हम वही बात कर रहे हैं। कैसी बात कर रहे हो यार, मैं तो सब में हूँ। ये देखो, ये देखिए, ये तो आईफोन 7 है ना? 7 प्लस है सर, मेरी बेटी का है, किसी ने उसे गिफ्ट किया है। ये फोन कितने का है? 1 लाख का तो होगा ही। घंटा हो गया, कह रहे हैं इन्हें भी हमारे जैसा टीवी चाहिए, इसलिए इन्हें सारे चैनल्स दिखा रही है। बिल्कुल सही किया तुमने, कॉफी वगैरह पूछा ना? हाँ पूछा ना, पर इन्होंने मना कर दिया। डैडी, सर टीवी का बिल मांग रहे थे, आपने कहाँ रखा है? रिश्वत में मिली चीज का बिल नहीं होता, ये शायद तुम्हारी फैमिली को पता नहीं है पांडे। ये रिश्वत की बात क्यों कर रहे हैं? दिल्ली से एक ऑफिसर यहाँ आता है और फर्ज के लिए अपनी जान दे देता है। उस ऑफिसर के लिए इंस्पेक्टर हरि ने अपनी जान दे दी। ऐसे डिपार्टमेंट में काम करता हूँ इस बात का मुझे अब तक फक्र था, और उसी डिपार्टमेंट में तुम जैसे आदमी को देखकर आज मुझे शर्म आ रही है। मुझे दोबारा वर्दी मिलेगी या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन वर्दी पाने के लिए जो करना पड़ेगा करूंगा। सर, सर मुझे मत मारिएगा सर, प्लीज मुझे मत मारिएगा। देख लिया भाभी जी, आपके पति को मार से डर लग रहा है, पर जो गलती की उसका कोई डर नहीं। मैं सबको गर्व से बताती थी कि मैं कांस्टेबल पांडे की बेटी हूँ डैडी, पर आज आपने हमें शर्मिंदा कर दिया। आप ना मेरे लिए फिट है और ना ही माँ के लिए, आप इस पुलिस पति के लिए भी फिट नहीं है डैडी। सारे दरवाजे अब तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं, सिर्फ एक ही दरवाजा खुला है और तुम जानते हो वो कौन सा है। जब हम लोग उस दिन सेल्फी ले रहे थे तब मैंने आपकी गन से मैगजीन निकाल दी थी सर, और उसमें दूसरी मैगजीन डाल दी और गन वहीं रख दी। सर ये यही वो आदमी जिसने मुझे पैसे दिए थे। ये है वो। ढूंढता है तुझको, बैठा है जरा उधर देखो, इटक बिटक की दुकान में है, पैसे बांट देता हूं। जाकर उसको पकड़ लो, ज्यादा देर करेगा तो भाग कर वो चला जाएगा।
तू और तेरी बेटी दोनों बचाएंगे, बता। नहीं बताऊंगी। तुम लोगों ने जो मेरे गले से मंगलसूत्र निकाल लिया है ना, वही तुम्हारे लिए फांसी का फंदा बन जाएगा। तो तू नहीं बताएगी और तेरी बेटी तेरी मौत देखेगी। प्लीज मेरी मम्मी को कुछ मत करना। मैं बताती हूँ कहाँ है वो। प्लीज छोड़ दो मम्मी को। मत बताना बेटी। अब ये हमारे काम की नहीं है। प्लीज मम्मी को छोड़ दो। मम्मी को कुछ नहीं करना। मेरा धर्म है और उनका क्रिया कर्म करना तेरा कर्म है। तेरे खिलाफ जो भी गया उसे मैंने इसी रास्ते से ऊपर भेज दिया। अब आज के बाद जो कुछ भी तेरे साथ होगा ना, उसका कर्ता कर्म क्रिया सब कुछ मैं करूंगा। मैं ए गुगलू। ए सर। बोलने वाला कोई और मारने वाला कोई, किसने कहा था बता? ऐसा भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, ये गूगल बता रहा है सर। यही बात। सस्पेंड हो चुके इंस्पेक्टर से उसके सामने खड़ा ये चेयरमैन बोल रहा है। ए मस्तान राज, भगवत गीता में कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा था मुझे नहीं पता, पर ये जरूर पता है कि इस धरती पर वसीन दोबारा होगा और तब तेरा भी सारा कर्म धर्म अंतिम संस्कार मैं ही करूंगा। योर काउंटडाउन स्टार्ट्स राइट नाउ। पहले तो अपनी वो नौकरी बचा ले जो तेरे हाथ से निकल चुकी है बच्चे। देख रहे हैं सर, देखा ना आपने, ये सब देख के लगता है कि ये पुलिस ऑफिसर है। गुंडा है सर, पक्का गुंडा। हमें यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि ये मासूम है। ये सब क्या है जयदेव? तुम्हारे चुप बैठने का मतलब है कि तुमने गुनाह कबूल कर लिया। सर अब कुछ नहीं होगा सर, ये केस क्लोज कर देते हैं। अपनी बेगुनाही के सबूत अभी मैंने पेश नहीं किए। अच्छा, अब भी आपके पास कुछ दिखाने को है? क्या कहना चाहते हैं? कांस्टेबल पांडे को बुलाएंगे तो पता चल जाएगा सर। सर ये बेकार के सबूत का बहाना करके हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। मैडम आप ठहरिए तो, उस कांस्टेबल को यहाँ बुलवाइए। सर तुमने इनकी गन से बुलेट निकाली थी या नहीं? नहीं सर। लेकिन ये तो कह रहे हैं तुमने निकाली। ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं सर। इनके डराने पर मैंने पहले वैसा निकाली। ठीक है तुम जा सकते हो। सर मैंने कहा था ना ये हमें गुमराह कर रहा है। सर मुझे कुछ और टाइम चाहिए। अब क्या करने का इरादा है? तुमने जिस कांस्टेबल को गवाह और सबूत बनाकर पेश किया वही तुम्हारे खिलाफ बोल रहा है, इसके लिए तुम्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। इतना क्राइम करके भी कैसे अकड़ के बैठा है? आप और आपके पुलिस वालों को जो भी करना है कीजिए, मैं अपनी रिपोर्ट तैयार करने जा रही हूँ। मुझे अब माफ कीजिए। ओके, नेक्स्ट मीटिंग में हम अपना जजमेंट दे देंगे। सर कार रेडी है सर। हाँ ठीक है आता हूँ। We'll be right back.
आप मेरे सीनियर ऑफिसर हैं। आपकी बेइज्जती की, आपको डराया धमकाया। डिसमिस मी सर, मैं एक ईमानदार ऑफिसर के हाथों डिसमिस होना चाहूंगा। आप मुझे तुरंत डिसमिस कीजिए। कौन है वो मस्तान राज? एक गुंडा, एक हत्यारा। कितने लोगों की हत्या की, कितनों की बदू वाली पता नहीं। कल हमारे घर में वो कहता फिरेगा कि इंस्पेक्टर जयदेव को उसने डिसमिस करवाया जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अगर ये जानते हुए भी आप मुझे डिसमिस नहीं करेंगे तो फिर मेरे हाथों से जरूर कुछ न कुछ गलत होगा। और मैं जानता हूँ आप ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे सर। मैं अपने रिकॉर्ड में बस इतना ही चाहता हूँ सर कि आपने मुझे डिसमिस किया। डिसमिस भी सर। जयदेव, तेरे तेवर देखने के बाद ये जो मैंने वर्दी पहन रखी इसे उतार कर, और जो गले में रुद्राक्ष है उसे उतार कर, ऊपर वाले की जो मानता है उसे छोड़कर, इस समय तुमने मेरी ऐसी कंडीशन कर दी कि मैं दो चार लोगों को तो अभी मार डालूंगा। भाई मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ, मुझसे मर्डर मत करवा। ऊपर वाला भला करे तुम्हारा। हाँ बोल। हाँ जा रहा हूँ। ये तो इंस्पेक्टर जयदेव है। अब ये इंस्पेक्टर कहाँ रह गया मामा? इसकी तो वर्दी चली गई। ठीक है, जल्दी से वीडियो बनाते हैं। क्या कर रहा है रे? एक मिनट सर, मैं अभी आता हूँ। आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया।
पैसा फेंको जल्दी चलिए सर, चलिए सर। मिस्टर जयदेव वी आर एक्सट्रीमली सॉरी। आपके रिकॉर्ड को देखते हुए हमने आपको बहुत मौके दिए। कांस्टेबल पांडे ने अपनी गवाही तक बदल दी और आपका दूसरा गवाह हॉस्पिटल में कोमा में है। आपको कितना मौका दें? ये बहुत टैलेंटेड है सर, उल्टी सीधी स्टोरी सुनाकर हमें गुमराह कर रहा है। आप इसकी बातों में मत आइए सर, अब जजमेंट दे दीजिए सर। इधर हम इतने सीरियस मैटर पर तुमसे बात कर रहे हैं और तुम फोन पर मैसेज देख रहे हो। इम्पोर्टेंट मैसेज आया था सर। कैसा इम्पोर्टेंट मैसेज? जो विटनेस कोमा में है उसे होश आ गया क्या? नहीं सर, आप सब जो कोमा में है ना उससे बाहर आने का मैसेज। ये सब क्या बेकार की बातें किए जा रहे हो? लाओ अपना फोन इधर दो। कम ऑन। लाल झंडा और हमको ग्रीन झंडा। मेरा अकाउंट नंबर तो तुम्हें पता ही है, ये मैसेज किसका है? कॉल कीजिए, पता चल जाएगा। इससे तुम्हारी घंटी क्यों बजी? इससे वो क्या है कि सर, ये मस्तान राज के साले का नंबर है, उसी को फोन कर रही थी। बाप रे बाप। सर मेरी बात तो सुनिए सर। शट अप। प्लीज एक बार सुन तो लीजिए। बंद कीजिए अपना। क्या फालतू केस है ये? ये साजिश है उस मस्तान राज की, उसकी वजह से ये बेचारा फंस रहा है। आप उसके खिलाफ केस फाइल क्यों नहीं करते? इतना इजी नहीं है सर। तो फिर क्या करें? चलिए मैं बताता हूँ क्या करना। कौन इस समय डिस्टर्ब कर रहा है यार? क्यों पांडे जी, कैसे हैं? आइए ना सर। क्या बात है, तुमने ऑफिस से छुट्टी क्यों ली है? आइए। तुमसे सच्चाई जानने के लिए हम तुम्हारे घर पर आए हैं। पांडे, ज्यादा मासूम बनने की कोशिश मत कर, चालाकी चल नहीं पाएगी। पहले तो बोला कि तूने बुलेट निकाली थी और बाद में अपने स्टेटमेंट को बदल दिया तूने। मैं सच बताना चाहता था सर, लेकिन बता। वो जो मस्तान राज है ना सर, उसने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया था। मैंने आप लोगों से झूठ बोला, इसीलिए मेरी बेटी सही सलामत घर आ पाई। मुझे माफ कर दीजिए सर, मेरी बेटी मेरे लिए सब कुछ है सर, मुझे माफ कर दीजिए। चल खड़ा हो जा। सर चलिए सर, अब देखते हैं क्या करना है। डैडी, आपको इंस्पेक्टर जयदेव से माफी मांग लेनी चाहिए। बहुत बड़ा क्रिमिनल है ये मस्तान राज, उसके सारे केसेस रीओपन करवाइए आप। ओके सर। और जयदेव को फिर से ज्वाइन करवाइए। ओके सर। मस्तान राज जी, मस्तान राज जी, दिवाकर। हाँ। केस कैसे हैंडल करते तुम लोगों को नहीं पता, जैसे मन में आया सेटलमेंट करते फिरते हो। क्या बकवास कर रहे हैं? कांस्टेबल पांडे की बेटी को तुमने किडनैप क्यों करवाया? कांस्टेबल पांडे? कौन है ये पांडे? क्या कहा? मुझे बेवकूफ समझ के रखा है क्या तुम लोगों ने? ए, क्या बक रहा है तू? तुम लोगों से बोला था थोड़ा सबर रखो। वो कांस्टेबल बोलता बुलेट चेंज की थी तो भी नहीं मानते, ऐसी सेटिंग की थी मैंने उनसे। लेकिन तुम लोगों ने उसकी बेटी को किडनैप करके मामला गड़बड़ कर दिया और केस को सच बना दिया। किसकी बेटी की बात कर रहे हो? वही कांस्टेबल पांडे जिसकी बेटी को आपने किडनैप करवाया था। कैसी बातें कर रहे हो, मैंने किसी को किडनैप नहीं करवाया। तो किडनैपिंग जो हुई थी आपने नहीं करवाई, तो फिर उसने मतलब जीजा जी, वो जयदेव ने हमें पूरी तरह से फंसा दिया। ए, उसे जिंदा मत छोड़ना। आपने कांस्टेबल पांडे की बेटी को किडनैप करके मस्तान राज के साथ जो डबल गेम खेला ना, मजा आ गया सर। जब तक उसके हाथों में हथकड़ी नहीं लगती होशियार रहना होगा। वो क्या कर रहे हैं? चलो 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 चलो।
मूर्ति ये क्या हुआ तुम्हारे हाथ में? देखा कुछ नहीं सर, कुछ नहीं सर, वो जल्दी हॉस्पिटल जाओ। कुछ सर 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 कुछ नहीं हुआ सर। रोको रोको सर, मेरी बात सुनिए सर, जाओ सर, जाके बैठो सर, मैं ठीक हूँ सर। सर बैठो, सीधे हॉस्पिटल ले जाना सर, होशियार रहिएगा सर। ठीक है ठीक है। हाँ श्रुति। हेलो जय। क्या हुआ? जय घर के आसपास गुंडे हैं। ए, तुम दोनों उधर जाओ। ए, इस तरफ पीछे जाओ। मुझे बहुत डर लग रहा है जय। डरो मत, डरो मत, डरो मत, दीदी तुम्हारे साथ है। वो क्या कर लेंगी? तुम डरोगी तो बच्चे भी डरेंगे। जय प्लीज जल्दी आओ। जय मैं जो बोल रहा हूँ गौर से सुनो। तुम लोग पीछे से जाओ, पीछे से चलते आओ। दरवाजा अंदर से लॉक करो। चीनू तुम्हारे साथ है ना? हाँ यहीं पर है। तुम फोन उसे दो। चीनू इधर आ, मुझसे बात करो। क्या बात है मामा जी? ए मेरे बहादुर बच्चे, तू डर तो नहीं रहा ना? नहीं डर रहा हूँ मामा। तो जैसा मैं बोल रहा हूँ तू वैसा कर। ठीक है मामा। फोन बुआ को दे। अगले 10 मिनट में जो कुछ भी होने वाला वो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए तुम सब लोग पूरी तरह से होशियार रहो और जैसा मैं तुमसे बोल रहा हूँ उन्हें सुनाने के लिए तुम वैसा ही बोलो। ओहो जय, कब तक बाथरूम में रहोगे? कब तक वेट करूँ तुम्हारा? You can't take so long यार, come on, come। अरे वो इंस्पेक्टर जयदेव तो अंदर ही है। वो इस समय अंदर कैसे होगा मामा? सकता है वो लोग चले गए जय। इतनी आसानी से वो नहीं जाएंगे, देखना वो लोग वापस जरूर आएंगे। जयदेव तो अंदर ही है। सवाल ये नहीं उठता है, अभी तो उसने मार्केट में दो आदमियों को मारा है, इतनी जल्दी वहाँ कैसे पहुँचेगा? पक्का ना? अरे पक्का बोल रहा हूँ। लाओ फोन मुझे दो। कंफर्म है ना? कंफर्म बोल रहा हूँ भाई, 100% कंफर्म। मामा ये लड़की हमें बेवकूफ बना रही है। ए, जाके दरवाजा तोड़ दो। और जोर लगाओ। लोग उस तरफ से जाओ, जाओ जल्दी जाओ। वो लोग अंदर आ रहे हैं जय। दरवाजा तोड़ रहे हैं जय। फोन लगाओ। पीछे हटो। चेहरे पे डर नहीं नजर आना चाहिए। कितना टाइम लगा रहे हो, जल्दी आओ ना बाथरूम से बाहर। क्यों रे, नाटक करती है मेरे साथ? कौन है फोन पे? वही है ना? अभी तक तूने सिर्फ इसकी आवाज सुनी, अब तो इसकी चीख सुनने वाला है। हे, चीनू आया क्यों? फोन का स्पीकर ऑन करो। हे चीनू, गन है ना तेरे पास, उसे उठाकर फायर कर। जो भी कमीना तेरे सामने आए उसे शूट कर देना मेरे बहादुर शेर। तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। मुझे नहीं पहचाना आपने। आपने इस शहर में आते बहुत तरक्की कर ली थी, लेकिन मैं तो कांस्टेबल ही रह गया। आज आपसे सोचा धंधे की बात कर लूं। ठीक है बता क्या बोलना है तुझे। यहाँ सब अपने ही लोग हैं ना? अपने ही है। सर मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, बदले में एक इम्पोर्टेंट टिप दूंगा।
क्या? पैसे तो दो पहले। मिल जाएंगे, बता तो पहले। इस केस की जो मेन विटनेस ननीता है ना, उसका ट्रीटमेंट जयदेव अपने जीजा जी के हॉस्पिटल में करवा रहा था और अब वो कोमा से बाहर आ चुकी है। सच बोल रहा हूँ, वहाँ पे मेरा एक आदमी बैठा है। रुको मैं आपको दिखाता हूँ। उसने मुझे वहाँ से ये फोटो भेजी, ये देखिए। ये तो उसकी बेटी है, अगर इसने अपनी जुबान खोल दी तो हम सबको जेल हो जाएगी। ए, तैयार हो जाओ सब, जाओ वहाँ पर और उसे वहाँ पर मार डालो। उसे मारे बिना तुम लोग अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। जाओ, जाओ वहाँ। चल रहे, जल्दी जाओ तुम लोग। क्या क्या करा तुम भैया? जल्दी उतरना यार। क्यों श्रुति, टेंशन में पूरा पैकेट ही पी लिया तुमने? ये गलत बात है, अब तो चढ़ेगी तुम्हें। कम है सर, बाहर लोग ज्यादा हैं। तू तो अकेला था ना? नहीं सर, पूरी बटालियन है बाहर। देखिए क्यों बेटा, ये लोग स्पेशल हफ्ता वसूल करने आए हैं? नहीं माँ जी, ये जेल स्पेशल है। कौन सा रूम है वो? कौन से शहर में लेकर जा रहे हो? देख लीजिए, देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। बस पावर कट हुआ है, शहर आप ही का है।
ये अंधेरे में तुम लोग मुझे पूरा शहर क्यों घुमा रहे हो? बताते क्यों नहीं कि मुझे कहां लेकर जा रहे हो? पुलिस यात्रा स्पेशल। सारे तीर्थ धाम काशी बद्रीनाथ गंगोत्री। हम आपको कहां कहां लेकर जाएंगे आपको अच्छे से पता है? ये क्या है? ये कहाँ ले आए तुम लोग? अरे भूल गए, ये तेरी मनपसंद जगह है, चलो जाओ। ए मस्तान राज, ए गुगली। सर, ऐसे कमीनों के बारे में गूगल क्या बोलता है? जो सांप को पालता है ना, सांप उसी को काट लेता है। ये तो पुराना स्टाइल है। सिर्फ शास्त्री ऐसा नहीं कहता है सर, गूगल भी यही कहता है। ठीक है, गूगल जो कहता है वही करेंगे। नंदिता, ये एरिया कल तक तेरे कब्जे में था, इसे पेट्रोल से नहलाकर अपने कब्जे में ले लिया। अरे सेटअप बराबर है ना? तो वाकई बहुत किस्मत वाला है। अक्सर होता तो यह है कि एम्बुलेंस तभी आती है जब कोई इस दुनिया से उठ जाता है, लेकिन तुम मरने वाला है उससे पहले एम्बुलेंस यहाँ पहुंच गई। अब तक तो दुनिया के लिए खौफ बना हुआ था, लेकिन आज तो खुद खौफ में है। याद है तुझे, एक दिन मैंने कहा था कि तेरा क्रिया कर्म मैं करूंगा। एक गुंडा होकर भी अगर तुझे अपने आप पे इतना घमंड है तो फिर सोच, जिसकी वर्दी पे तीन तीन शेर हो उसे कितना घमंड होना चाहिए। गीदड़ की औलाद, तेरे बाप ने कहा था चार पत्थर पीछे डाल और तूने चार चार लाशें पीछे बिछा दी। तू सोचता है जो भी ऑफिसर तेरे खिलाफ आएगा उसे मार कर केस क्लोज कर देगा? अगर एक पुलिस ऑफिसर मरा तो मुझे से कई ऑफिसर पैदा हो जाएंगे। फिर केस क्लोज नहीं होगा, क्लोज होगा तू।